So you want to add sound effects in your video. लेकिन क्या सिर्फ यही साउंड इफेक्ट्स हैं? नहीं, पुरानी मूवीज में ऑडियंस के हंसने से लेकर रूम एम्बियंस तक एक साउंड इफेक्ट है। यहाँ तक कि आजकल की मूवीज में फुटस्टेप की साउंड डालना या तुम्हारे दोस्त के क्लिप में ये फार्ट साउंड ऐड करना, ये सभी साउंड इफेक्ट्स हैं। साउंड डिजाइन में सब कुछ आता है, एनवायरमेंटल साउंड, स्लो मोशन एंड टाइम लैप्स साउंड, ट्रांजिशन के लिए वुशेस एंड हिट्स, राइजर्स, जूम और पैन साउंड, एम्बियंट साउंड। नहीं समझ आ रहा तो सिंपल ये क्लिप देखो और तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। पहली वीडियो बहुत खाली खाली है, इसमें मैंने सिर्फ म्यूजिक डाला है एंड सेकंड वाली वीडियो है विद साउंड इफेक्ट्स। देखा, आता है ना फील, जैसे तुम उस मूवमेंट को जी रहे हो। साउंड इफेक्ट ने जैसे तुम्हारे शॉट में जान डाल दी हो। भाई बहुत बकवास करता है लड़का। वो सब छोड़ो, क्या तुम्हें अपनी वीडियो में साउंड डिजाइन को नेक्स्ट लेवल ले जाना है तो आज ही खरीदे हमारा न्यू साउंड मेकिंग सिस्टम। ये तो छोटा सा मजाक था, सब फ्री है यहाँ। तो तुम्हें चाहिए फ्री नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट्स। सिंपल है ब्रो, डाउनलोड करो, इंपोर्ट करो, प्रोजेक्ट में टाइमलाइन में डालो एंड बैम। बट वही तो बात है, डाउनलोड कहाँ से करें? हाँ वो भी बताता हूँ, बहुत सारी जगह से तुम डाउनलोड कर सकते हो साउंड इफेक्ट्स, जिसमें कि पहला ऑप्शन है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। तो यूट्यूब लाइब्रेरी में जाओ, साउंड इफेक्ट सर्च करो एंड डाउनलोड कर लो। और यहाँ पर ये है पूरी फ्री लाइब्रेरी, जिसमें से तुम कुछ भी साउंड यूज कर सकते हो या फिर म्यूजिक यूज कर सकते हो और कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। तो दिल खोल के यूज करो। और ये सबसे अंडररेटेड साउंड का भंडार है जो कि लोग यूज नहीं करते, और इसमें कभी कभी बहुत ही अच्छे साउंड या फिर म्यूजिक मिल जाता है। मैं पहले यही यूज करता था म्यूजिक के लिए, अभी भी मेरे पीसी में वो साउंड या फिर म्यूजिक पड़ा होगा। बट यहाँ पर दिक्कत ये है, ये बहुत जल्दी जल्दी अपडेट नहीं करते गानों को, 3-4 गाने आते हैं सिर्फ एक महीने में। तो मैं बहुत बार रिपीटेड गाने यूज कर चुका था, और उसके बाद मैं आगे एपिडेमिक साउंड पर, वहां पर भी तुम्हें म्यूजिक और साउंड इफेक्ट बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे, बट वो पेड है तो तुम एक बार चेक कर सकते हो उसको भी। क्या क्या कह रहे हो, कॉमेडी स्केच साउंड इफेक्ट YouTube वीडियो से? बहुत सारे तो कॉमन साउंड इफेक्ट है जो हर किसी की वीडियो में यूज होते हैं, जैसे कि बीबी की वाइंस, हर्ष बेनीवाल, और ये साउंड्स तुम भी यूज कर सकते हो जो कि तुम्हें आराम से मिल जाएंगी। कहाँ? YouTube videos। और थर्ड ऑप्शन फ्री साउंड, यहाँ पर भी तुम्हें बहुत सारी फ्री साउंड मिल जाएगी जो तुम कहीं भी यूज कर सकते हो, किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी YouTube वीडियो में। बट वेट, साउंड लगाओगे किस पर? कहाँ है क्लिप्स? एक कमरे में रहकर नहीं होती शूट क्लिप्स, बाहर निकलो यार, थोड़ा दुनिया देखो, शूट करो, नेचर देखो कितनी खूबसूरत है, खुली हवा में सांस लो, तुम आजाद हो मेरे दोस्त, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, अपने सपनों को सपना मत रहने दो, उड़ो, सपने देखो, याद रखो सपने पूरे करने के लिए सपने देखना जरूरी है, उड़ो, जितना उड़ सकते हो उड़ो, 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 उठो, उठो, उठ, उठ मेरे भाई, सपना देख रहा था क्या, उठो और वीडियो एडिट कर। और ये थे ऑप्शन जहां से तुम करोगे डाउनलोड, बट इन्हें इंप्लीमेंट कैसे करोगे? अब ये नहीं कि डाउनलोड किया और बस टाइमलाइन पे डाल दिया, तुम एक ही साउंड इफेक्ट को कई तरह से यूज कर सकते हो, जैसे कि रॉकेट में उड़ना, ये मम्मी से लड़ना, या आईफिल टावर पे चढ़ना। जैसे कि तुम किसी भी साउंड को स्लो कर सकते हो, उसको थोड़ा बेसी बनाने के लिए और उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए। इससे दो काम होंगे, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी और वो और बेसियर हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना है तो तुम मेंटेन ऑडियो पिच भी यूज कर सकते हो, इससे साउंड स्लो हो जाएगी, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी और पिच सेम रहेगी। या फिर तुम साउंड इफेक्ट को रिवर्स भी कर सकते हो, और ये रिवर्स वाला आइडिया पहले ही किसी को आ चुका है। अगर साउंड इफेक्ट को मफल करना है, जैसे कि कैमरा पानी के अंदर चला गया हो, तो उसके लिए तुम यूज कर सकते हो लो पास, या फिर तुम्हें साउंड
ऐसी चाहिए कि जैसे टेलीफोन में से आ रही हो। तो तुम्हें जाना है एसेंशियल ग्राफिक्स पर, और यहाँ पर ईक्यू में तुम्हें बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, और यहाँ पर तुम्हें टेलीफोन वाला यूज कर लेना है। तुम इसकी अमाउंट को बढ़ा या घटा सकते हो, और साउंड को अगर तुम्हें रिवर्ब करना है, जैसे कि तुम्हारी आवाज गूंज कर आ रही हो, तो तुम यहाँ पर रिवर्ब इफेक्ट यूज कर सकते हो। बस तुम्हें यहाँ पर एडिट और ग्रेड हॉल सेलेक्ट कर लेना है एंड डन। साउंड इफेक्ट में तुम जितना चाहो उतना क्रिएटिव हो सकते हो। जरूरी नहीं जैसे कि तुमने एक टाइम लैप्स बनाया है और वहां पर एनवायरनमेंट या फिर क्लाउड की साउंड डालने के अलावा तुम वहां पर फास्ट क्लॉक की साउंड डाल सकते हो। और हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट, लेयरिंग का जरूर यूज करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। बहुत सारी ऐसी साउंड होगी जो तुम्हें पता भी नहीं चलेगी कि यहाँ पर है, बट वो सब कंबाइन होके एक बहुत ही अच्छा आउटपुट दे सकती है तुम्हें। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें हमेशा याद रखने हैं। साउंड इफेक्ट के बार को कम या ज्यादा करके देखो, जितना तुम्हें परफेक्ट लगे बस उतना ही छोड़ दो। ज्यादा करोगे तो वो खराब हो जाएगा, और कम रखोगे तो वो सुनाई नहीं देगा। साउंड इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वीडियो की वाइब या मूड पर। अब मैं यहाँ पर एक डॉल की वीडियो पर किड्स प्लेइंग साउंड लगा देता हूँ, तो ये अच्छी खासी फैमिली वीडियो हो गई, जो कि हमारे और तुम्हारे घर वालों के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर होगी। बट अगर मैं इसी क्लिप पे हॉरर साउंड लगा दूं, हो गया ना मूड चेंज। और हाँ, अगर YouTube वीडियो पे तुम टेक्स्ट या लोअर थर्ड यूज करते हो, वहां पर भी तुम ट्रांजिशन साउंड यूज कर सकते हो, जैसे कि वुशेस, पॉप या इस तरह के साउंड, जिससे कि वीडियो देखने वाले का इंटरेस्ट बना रहे। अब साउंड को फेड या फिर मर्ज करने के लिए क्या यूज करें? सिंपल प्रीमियर प्रो के तुम ट्रांजिशन यूज कर सकते हो, फेड ट्रांजिशन या फिर कॉन्स्टेंट पावर ट्रांजिशन। मैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट पावर ट्रांजिशन यूज करता हूँ, और मैंने इसी को डिफॉल्ट पे सेट कर लिया है। या फिर तुम सिंपल ऑडियो लेवल पे की फ्रेम्स लगा सकते हो। ग्लिच साउंड यूज कर सकते हो, जैसे कोई ट्रांजिशन आता है या फिर टेक्स्ट आता है, और बहुत सारे टेक्स्ट चैनल्स यूज भी करते हैं। और हाँ, बहुत ज्यादा साउंड को लाउड करने से भी तुम्हारी क्लिप खराब हो सकती है। तो आज की वीडियो में बहुत ज्ञान हो गया। कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम कितना परसेंट समझ पाए इस वीडियो को, कुछ पल्ले भी पड़ रहा है या नहीं, या मैं अच्छे से बता ही नहीं पा रहा। और हाँ, यहाँ से जाना मत बिना लाइक सब्सक्राइब